आइजक न्यूटन। बच्चों, गेंद ऊपर उछालो तो नीचे गिरती है, पेड़ पर लगा सेब भी टूटकर नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? पानी के प्रेशर से घड़ी की सुइयां घूमती हैं। ये सब कैसे और क्यों होता है? ऐसे बहुत से प्रश्न दिमाग में उठते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज 12 साल के एक बालक ने की थी, जिसका नाम था न्यूटन। आज इस पाठ में उसी महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। तुम रोज इस बात का अनुभव करते हो और देखते हो कि पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींचती है। न्यूटन ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया और उसे वैज्ञानिक आधार दिया। उसने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति समझी और गणित की गुत्थियां सुलझाई। आज का विज्ञान उसी की खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकतर नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती हैं। वह सही अर्थ में विज्ञान जगत के पिता हैं। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने के पूर्व ही पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में वह था और उसकी माँ। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर माँ दिन भर खेती करती, तब जाकर कहीं उनका पेट भरता। न्यूटन के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। तब से पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा सादा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और उसके बाद वह सदा कक्षा में प्रथम रहता। 10 साल की आयु में न्यूटन के पिता का देहांत हो गया। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर पढ़ने लगता। उसके मामा ने उसकी लगन देखी और उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। 1 साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। 12 साल की आयु में उसने एक हवाई चक्की बनाई। फिर उसने एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था। इससे सुइयां घूमने लगती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंडील बना, उसने उसमें रोशनी जला दी
और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। उसकी बचपन की यह आदत बहुत काम आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। तो बच्चों, जीवन में मुश्किलें होते हुए भी न्यूटन ने मन लगाकर पढ़ाई की और वैज्ञानिक खोजें की। यह उनकी लगन और मेहनत के कारण ही संभव हुआ।